वेलकम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ। हमने जब से पहले चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, उससे आगे हमने नहीं पढ़ा। और एटम्स को सबसे पहले डिफाइन करना, आपको पहले बताया था हमारे जो महर्षि कनड हुआ करते थे, जिन्होंने अपने फिलोसफिकल बुक में पहले से बता रखा है कि अगर किसी भी मैटर को इस किसी भी चीज को अगर आप ब्रेक करोगे तो जो आप लास्ट स्टेज जो आप पहुंचोगे वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वो होगी हमारी परमाणु। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में परमाणु। अब इसी चीज को जो बाद में जो अपनी बुक्स में जो पब्लिश किया था कि एटम्स क्या है मैटर और वो कहां तक उसे डिवाइड कर सकते हैं, वो बाद में डिवाइड करा था डाल्टन। ठीक है, ये प्रीवियस चैप्टर में इसलिए मैं आपको फिर रिलेटेड कर रहा हूं जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था। डाल्टन एटमिक, ठीक है, डाल्टन एटमिक। डाल्टन ने क्या कहा था अपनी बुक में कि जो मैटर है, मैटर इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जहां तक हम उसको कहां तक डिवाइड कर सकते हैं एटम। ठीक है, अब अगर मैं एटम को बोलता हूं, एटम इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल, अगर मैं बात करूं एटम को तो एटम को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर ब्रेक आप इसे नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है कि एटम को फर्दर डिवाइड कर देंगे, जो हम इसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो वन बाय वन हम यहाँ पे, अब आपको पता है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन की बात डाल्टन ने अपनी थ्योरी में नहीं कही थी, जो कई बार हमसे पूछा जाए कि ड्रॉबैक या ड्रॉप क्या चीज हमने अपनी थ्योरी में एक्सपेक्ट नहीं करी थी या किस चीज के बेसिस पे उसको फेलियर बताएंगे, तो ये है उसका कि उन्होंने कहा था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते जबकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन मिला, कौन सा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा टॉपिक आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी यहां पर हमने बैटरी टेस्ट कर दी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में हम किसी को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कौन सा चार्ज है, किस वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है क्या चीज। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें किसने लिया था, थॉमसन। ये जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने अपनी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो कैथोड रेज है इसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से, उसमें कौन सा चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज हमें देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो अपना दिया इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, प्लस को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो ये ट्यूब देख रहे हो आप, इसी को नेम दिया है उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, एक इसके अंदर हमने वो लगा दिए इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हमने कैथोड बोला है और जो पॉजिटिव है इसे एनोड बोला है। यहाँ पे बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, ये वैक्यूम पंप है, सक्शन पंप। अब देखो उसका काम क्या, सबसे पहले तो एक जनरल सी चीज है कि जो हमारे पास जो एयर होती है, एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो जनरल चीज है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जो मैंने जो गैस इसके अंदर फिल की गई है, जो मैंने इसके अंदर जो गैस भरी है वो क्या है हमारे पास, अभी अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी ऑन करता हूं तो मुझे यहाँ पे कोई भी ग्लो कुछ भी पार्टिकल्स मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे किस तरीके से, किस तरह को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे अंदर जो गैस है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो ये यहाँ पर कोई भी चीज से कंडक्ट नहीं करेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं सक्शन पंप से, वैक्यूम पंप से इसके अंदर की गैस को निकाल दूं, अच्छा यहां पर बिना गैस निकाले अगर आप 10,000 वोल्ट करंट भी अगर आप इसको दोगे तो भी यहां पर आपको कोई फ्लो, कोई भी फ्लो देखने को नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन देखो जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर हमने क्या करा, कम करा, प्रेशर आपने क्या कर देना है, डाउन कर देना है, कितना 10^-2 एटमोस्फियर। जैसे आपने ये करा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा वोल्टेज का करंट आप पहले दे रहे थे उसको कम ही देने का आपको क्या मिल जाएगा, यहां से कुछ रेज यहां पर जाने। ये वाली जो सर्फेस है जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से पेंट की गई है,
इसमें थोड़ा ग्लो देखने को मिलेगा, वही ग्लो से हम आइडिया लगाएंगे कि एक्चुअल में रेस क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर क्यों ग्लो हो रहा है, क्या फ्लो नेगेटिव कैथोड को एनोड हो रहा है, ये सारी चीजें हमें इस डिस्चार्ज में देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा प्रेशर है उसे हमने क्या कर दिया है 10^-2, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इस तरीके से क्या होना शुरू हो गया, जो एनोड वाला सेक्शन है क्या ग्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैथोड एक्सपेरिमेंट है। तो इससे अब हम इसके एक एक करके क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। तो प्रॉपर्टीज में क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, वन बाय वन में पहले आपको बता देता हूं। यहां से हमने क्या देखा कि भाई जो ये जो रेज है ये आपको ये जाते हैं यहां से दिखेंगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इस पर चार्ज कैसा है, तो मैं बोलूंगा अगर कोई चीज प्लस यहां वाली सरफेस जो है अगर ग्रेनिश कलर की ग्लो कर रही है एनोड की तरफ, इसका मतलब ये कब ग्लो करेंगे, जब यहां से नेगेटिव पार्टिकल्स क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे। जब ध्यान देना है मैं बोल रहा हूं कैथोड रेज, अब फिर मैं बात करूंगा पार्टिकल्स की। लाइट रेज क्या होती है, अगर मैं उसके बीच में हाथ लगा दूंगा इस तरीके से तो क्या होगी, वो यहां पर नहीं जाएगी, ग्लो नहीं होता है ऐसे, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं बोलू कि ये जो पार्टिकल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको बोला ना सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल। अब मैं वो पार्टिकल वर्ड को कैसे आऊंगा, मैं यहाँ पर उसको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज नेगेटिव है, अगर मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज लगाता प्लस में, तो ये जो रेज है इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव। अगर ये लाइट रेज होती तो ये इससे डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधा चली जाती एनोड की तरफ, लेकिन लाइट नहीं है पार्टिकल है ना, तभी तो इसने इसको अपनी तरफ कैच किया। ये तो था इलेक्ट्रिकल, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देता, साउथ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा दूं, तो भी जो नेगेटिव रेज है इधर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगी, जिस तरह से उसका क्या मिलेगा चार्ज मेरे साथ बात आ रही समझ। इसका मतलब मैग्नेटिक से भी और इलेक्ट्रिकल से भी इफेक्ट करा। इसके बाद में इसका मैकेनिक प्रॉपर्टी में मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी शो करूंगा। अगर मैं यहां पर छोटा सा फैन लगा दूं, ठीक है, अब अगर ये लाइट रेज होती तो फैन रोटेट नहीं करता, अगर रेज होती तो क्या करते रुक जाते तो सीधा बाहर हो जाते, लेकिन वो पार्टिकल है उनके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी भी है और क्या है पार्टिकल्स हैं जो कि इससे टकरा करके उसको रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो कैथोड रेज है वो पार्टिकल है, नॉट अ रेज, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। चार्ज कैसा उसमें नेगेटिव है, कैसे क्या डाल रहा है मैग्नेटिक पर डाल रहा है, तभी तो जो बीच का फैन क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज जो हमने अभी डिस्कस करी मैंने आपको लिख दी कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, मैंने बीच में फैन लगा करके इस सेकंड पॉइंट में क्लियर कर दिया कि जो फैन रोटेट हो रहा है इसका मतलब जो कैथोड रे है वो कहीं ना कहीं क्या मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था कंसिस्टेंट नेगेटिवली चार्ज। जब मैंने इसके सामने प्लस का सिंबल लगाया तो जो नेगेटिव रेज थी उस तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, ये साफ साफ दिखाता है कि नेगेटिव प्लस की तरफ जा रहा है, उसका मतलब जो पार्टिकल जो पैकेट्स आ रहे हैं उसमें कैसा चार्ज मिलेगा आपको नेगेटिव चार्ज। तो ये तीनों पॉइंट यहां क्लियर हो गए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने ही अपना एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंटल से क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों चीजों से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से दो चीजें हो, एक हो गया आपका मैग्नेटिक और एक हो गया इलेक्ट्रिक। इन दोनों का डिफ्लेक्शन उसकी स्ट्रेंथ से अपने इक्विपमेंट से उन्होंने क्या निकाल के दे दिया हमें चार्ज टू मास रेशियो। किसका इलेक्ट्रॉन का कितना निकाला हमने 1.76×10^8 कोलॉम पर ग्राम। ठीक है, किसने जे थॉमसन। ठीक है, वहीं कुछ टाइम के बाद एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, किसने दिया था रॉबर्ट ऑयल एंड ड्रॉप मेथड से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू निकाल दी 1.602×10^-19 कूलम। ठीक है, अब अगर जैसे यहां से पूछा जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो मैं क्या करूंगा क्लास, इसको ये होगा चार्ज रेशियो मास डिवाइड कर दूंगा, इसे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये मास ऊपर आ जाएगा, तो पहले की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 1.76×10^8 कूलम पर
लैंप और इसकी वैल्यू 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। ठीक है, और इसी को मैं केजी में बोलूंगा तो कितना आ जाएगा, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम। तो क्लास आपने दो चीजें हमेशा के लिए याद रखनी है कि अगर मैं कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन राइट करने लगता 1.6 × 10⁻¹⁹ बोला, और अगर मैं मास के बारे में पूछूंगा तो 9.1 × 10⁻³। जब आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, तो ये वैल्यू अब स्टार्टिंग में दे दी जाती है कि चार्ज और उसकी मास इलेक्ट्रॉन में कितना है हमको। तो देखिए इस तरीके से हम कहां तक पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, यहां तक हमने सारी बातें किसी कर दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लास अब आते हैं अपन प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, इसे रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, अब अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की जो पॉजिटिव वाला है उसके ओरिजिन कहां से, उसके बारे में हमने सबसे पहले कहा देखा, तो वो भी देखो जिले थॉमसन के डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल गया था। अब मैं एनोड, ठीक है, जैसे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब रेज किस तरह, इसी का दूसरा नाम है कैनल रेज। कई बार पूछ जाता है कि कैनल रेज क्या है, तो कैनल रेज किस तरीके के पॉजिटिव वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं एनोड रेज या फिर कैनल रेज। ये क्या हुआ था देखो, जिस मैं पहले पुराने वाले कैथोड रे स्पर्शी की बात करता हूं, जब हमने बैटरी से उसका प्रेशर कम कर दिया बिना बिना एटमोस्फेरिक प्रेशर कम किए, एयर क्या थी कंडक्ट नहीं कर रही थी, चाहे मैंने 10,000 वोल्ट तक करंट क्यों ना इसको, लेकिन जैसे मैंने उसको प्रेशर कम कर दो बिलो 1,000 वोल्ट में ही ये क्या करने लगे कंडक्टिंग करने लगे, तो ये वाली जिंक सल्फाइड थी ये क्या होने लगी सरफेस ग्लो होने लगी, तो हमने देखा पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज देखने को मिली, जो इसकी बैक सरफेस थी, ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसकी बैक सरफेस भी क्या करने लगी ग्लो करने लगी, इनमें हल्का सा चेंज करने से क्या करा बीच में परफोरेटेड कैथोड यहां पर लगा, तो छोटे छोटे होते थे क्या पार्टिकल्स क्लियरली पास हो गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ फैन आने लगे, तो हुआ क्या होगा जो नेगेटिव रहा होगा, ठीक है नेगेटिव, या फिर ये वाला जो पॉजिटिव वाली होती है जो पॉजिटिव वाला है ये इधर की तरफ आया, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव का रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है ना, तो ये वाला तो ग्रो कर रहा है, इसी तरीके से यहां पे भी होगा, अगर सारी रेज आ रही है तो कुछ रिफ्लेक्ट बैक होकर तो उसके पीछे भी सर्किल थी बैक सर्किल थी भी ग्रो होने लगी, इसका मतलब नेगेटिव से अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उसका चार्ज तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव वाला है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो उसके पीछे ग्रो हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली चार्ज कर देता है रिवर्स, क्योंकि उसका उल्टा है, तो ये वाला इसको हम कहते हैं एनोड रेज। प्रॉपर्टीज भी सारी वैसे ही है, ट्रेवल में स्ट्रेट लाइन, मैकेनिकल इफेक्ट, सारी चीजें वैसे ही थी, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी, बस अगर सामने वाली सरफेस में ग्लो कर रहा है तो नेगेटिव है, अगर उसके बैक में भी ग्लो कर रहा है तो उसका अपोजिट चार्ज तो इमेजिन करेंगे माइंड में, तो इसीलिए हमने जब नेगेटिव लिया था तो हमने इसको कैसा ले लिया पॉजिटिव, तो यही था इसका एनोड रेज का एनोड रेज या फिर कैथोड रेज हो कैनल रेज। ठीक है, इसमें जब हम चार्ज की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा जो चार्ज आया था वो कितना था, जो इलेक्ट्रॉन रेशियो जो मास चार्ज रेशियो मास जो था हमारे पास, इसका हमारे पास था 9.58 × 10⁴ 9.58 × 10⁴ इसी तरीके से जो हमने जो चार्ज था वो कितना था, हमने चार्ज 1.6 × 10⁻¹ बोला, ये मैंने यहां पे लिखा है, इधर पर चार्ज 1.6 × 10⁻¹ बोला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बस बात ये थी कि इसको नेगेटिव बोल देना, इसको क्या बोल देना है पॉजिटिव। अब अगर आप इसको इसी तरीके से डिवाइड करोगे तो जो मास निकालोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, वो ई ओवर चार्ज रेशियो मास, तो इसमें क्या होगा 1.6 × 10⁻¹ ओवर 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.67 × 10⁻¹⁴। ठीक है, ये आ गया मेरे पे मास ऑफ इसका एनोड। अब अगर मैं इसको और उसे कंपेयर करूं, ठीक है, मैं रेशियो को कंपेयर करूं किसका, इलेक्ट्रॉन का और किसका प्रोटॉन का, तो जब मैं दोनों का रेशियो का कंपेयर करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैं ले लेता हूं 1.67 × 10⁻¹⁴
इंक्रीज हो उसका मैं ग्राम में लूंगा, बाद में केजी में निकाल दिया था, ग्राम मेरा 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1837, इसकी अप्रोक्सीमेटली आ ये वैल्यू आ जाएगी। किससे पता चल रहा है कि प्रोटॉन का जो है वो कितना हैवियर मास है उसका 1837, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो रेशियो मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1%। तो अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चन आता है कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी टाइम्स, तो आप बोल दोगे 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके क्लास,